अब की तो गंगा पार भी जीतने जा रहे हैं, जीत रहे हैं कि नहीं, जीत रहे हैं ना। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, अपने पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए, आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बोले भारत माता की। अब मैं निवेदन पूर्वक अनुरोध करता हूँ पूज्य महाराज जी से, निवेदन के माध्यम आपको सुनने आई है। एक बार महाराज जी का जोरदार खड़े होकर के तालियों के साथ आपका स्वागत करें, महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। मैं अनुरोध करता हूँ हम सबको अपना आशीर्वाद अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, जिसके बदौलत चार को माला में और सामने का बहनों की शामिल हो माननीय महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महात्मा बुद्ध के संदेशों और जैन तीर्थंकरों के साधना से पवित्र जनपद कौसाम्बी की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, इतनी भीषण गर्मी में भी जिस उत्साह के साथ मेरे कौसाम्बी की जनता जनार्दन और कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जसवंत सैनी जी, लोकप्रिय सांसद और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री धर्मराज मौर्य जी, लोकसभा के प्रभारी श्री रणजीत कुशवाहा जी, लोकसभा के संयोजक श्री राकेश पांडे जी, जिला प्रभारी श्री अवधेश गुप्ता जी, लोकसभा के प्रवासी प्रभास शंकर कुशवाहा जी, पूर्व विधायक श्री लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, शीतला प्रसाद पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना सोनकर जी, अध्यक्ष नगर पालिका मंजनपुर श्री प्रेमेंद्र सरोज जी, कविता पासी जी, महेश मोदी जी, और मंच पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए काशी के संत श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास जी, और कौसाम्बी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी आपका उत्साह अभिनंदनीय है, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, लोकतंत्र के महापर्व के चार चरण पूरे हो चुके हैं, अभी तीन चरण बाकी है, लेकिन रुझान अभी से प्राप्त हो गए हैं। हर एक को पता है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून के लिए अभी से उत्साह की तैयारी करिए। पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, और वह स्वर है और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार का जो संकल्प है,
आखिर जनता जनार्दन ने इसे अपना संकल्प इस नारे के साथ क्यों जोड़ा? इसका कारण जरूर होगा, इसका कारण है 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो कायाकल्प हुई है, उस कायाकल्प के कारण। याद करिए 2014 के पहले का भारत, गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में, पैसे के अभाव में दम तोड़ता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता का माहौल था, देश के अंदर जगह जगह विस्फोट होते थे और सीमा पर दुश्मन अतिक्रमण करता था। बहनों और भाइयों, पहचान का संकट था। आज भारत बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज भारत के अंदर देश का सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर भारत को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है और अब तो कहीं पर पटाखा भी जोर से फूट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत देश के अंदर सुरक्षा दे रहा है तो विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एनआईटी और IIIT बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रही है, पर्यटन विकास के नए नए प्रतिभान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, आप सोचिए, जो लोग भूख से पहले मारे जाते थे, आज मुझे देखकर क्या आश्चर्य होता है, कल कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की प्रेस वार्ता थी, इनकी प्रेस वार्ता में क्या कहते हैं, कहते हैं राशन फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो गरीब को भूखों मार रहे थे। समाजवादी पार्टी कहते कि आटा डेटा डाटा फ्री देंगे। अरे जब सत्ता थी तब तो माफिया के सागिर्द बन करके कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पर राशन माफिया हावी होकर के गरीब के हिस्से को हड़प जाता था, तब इनकी जवान सिरी रहती थी। आज से मालूम है कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में माफिया की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब चिल्ला रहे हैं कि आटा डाटा फ्री में देंगे, क्योंकि इसे मालूम है कि इन्हें कभी आना नहीं है वापस, अब आना नहीं है, इसलिए अभी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यह चुनाव जैसे ही कांग्रेस सपा का गठबंधन हारेगा, अगले चुनाव तक जनता इनका नाम भी भूल जाएगी और उसके बाद ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहने वाले हैं। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोग फ्री में राशन ले रहे हैं देश के अंदर, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए फ्री में उपचार, 50 करोड़ गरीबों के लिए 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं,
मुझे याद है जब यहाँ एक विस्फोट की घटना हुई थी, पटाखा विस्फोट हुआ था, कई लोग मरे थे। यही विनोद सोनकर है, इसने मुझे फोन किया था कि आप मुख्यमंत्री रात को उससे पैसा दे दीजिए। मैंने कहा उनके अकाउंट भेज दीजिए, हम पैसा तत्काल भेज देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने पैसा सीधे भेज दिया। आज कोई बीमार जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर ये विनोद सोनकर हो, संजय गुप्ता हो, या फिर हमारे जितने भी पूर्व विधायक हैं, इनमें से कोई कह देता है या कोई पदाधिकारी कह देता है कि ये पैसा, इसको इतना पैसा चाहिए, कार्ड नहीं है, तो मैं कहता हूं उसका एस्टिमेट भेज दीजिए। पूरा पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भेज के कहता हूं, आराम से उपचार कराओ, आपकी सरकार है। बहनों और भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और यूपी में तो दीपावली और होली को फ्री में हम रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक एक मकान दे दिए हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि जितने गरीब मकान से वंचित हैं, उन सबको भी से कह दीजिए कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, हर एक के घर में हर एक को एक एक मकान बना करके फिर से सरकार उपलब्ध करवाएगी। 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को आयुष्मान का कार्ड देंगे, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए एक देश में एक प्रधान एक विधान की नीति पर चलते हुए समान नागरिक कानून भी लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, अब आप सोचो, महात्मा बुद्ध के संदेश की भूमि है कौशाम्बी, जैन तीर्थंकरों की भूमि है कौशाम्बी, जगत जननी मां भगवती की पावन धरा है कौशाम्बी, और मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद प्राप्त होता है कौशाम्बी को। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे बताओ जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, तब हम नारा लगाते थे, पुलिस के डंडे खाते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, क्या नारा लगता था, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। और तब सपा और कांग्रेस के लोग झूठे मुकदमे दायर करते थे ना। देखो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी का मतलब जो संस्कार से जिसका कोई संबंध ना हो, अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते लोग, अपने से बड़ों को जबरदस्ती धक्का देके बाहर कर देते हैं। और यही नहीं, ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। जैसे राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। गरीब इनके समय में भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान की नौकरी पे सेंध लगाते थे। और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ इनके द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और यही कहने के लिए मैं आया हूं।
और भाइयों, याद करिए, याद करिए, ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति, वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे, कोई खटिक था, कोई अनुसूचित पासी था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। आपने देखा होगा एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की महिला, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद वह मेरे पास आई थी। उसने कहा, साहब, ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरी पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी, 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर ली, मोरने जाति की थी वो महिला। और बहन और भाइयों, याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था, मैंने कहा, माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए। और बहन और भाइयों, आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। और उस बूढ़ी माता को उसका अधिकार हम लोगों ने दिया, उसका 10 बीघा खेत वापस उसको कराया गया, और साथ साथ 10 वर्ष में जितना माफिया और उनके गुर्गों ने कमाया होगा वह भी वसूली हमने किया। और साथ साथ उस माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया। आज आपने देखा होगा जो सरकारी भूमि पर प्रयागराज में कब्जा किया था उसको हमने खाली कराया था, और खाली करा करके अपने जनप्रतिनिधियों को लेके मैं गया था, और मैंने कहा था, चलो, ये विनोद शंकर था, मैंने कहा, चलो, जितने गरीब हैं, दलित हैं, खटिक हैं, पासी हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, पिछड़े, इन लोगों को मकान आवंटित करो, और अपने सामने इन लोगों ने हाथों से दे करके मेरी उपस्थिति में गरीबों को मकान पे कब्जा करवाने का काम किया। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं अगर एक गरीब का बेटा देश की संसद में पहुंच जाता है, इन माफियाओं को बुरा लगता है। आज हम लोगों को अच्छा लगता है जब विनोद सोनकर कौशाम्बी की सेवा तो करता ही है, लेकिन जब मैं त्रिपुरा जाता हूं तो त्रिपुरा में भी मुझे वहां सेवा करता हुआ विनोद सोनकर दिखाई देता है। जब मैं किसी कार्यक्रम में गोवा जाता हूं तो गोवा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आपका विनोद सोनकर वहां भी खड़ा रहता है और कहता है वहां के कार्यकर्ताओं की हिम्मत से काम करो, हम तो मोदी के सिपाही हैं, मोदी जी के मिशन के लिए समर्पित हैं, और अपने गरीबों के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने वंचितों के लिए, अपने पिछड़ी जाति के भाइयों और बहनों के लिए हम कार्य करेंगे, ये मुझे वहां भी दिखाई देता है। मैं महाराष्ट्र गया, ये वहां दिखाई दिया। मैं कर्नाटक गया, ये वहां मुझे दिखाई दिया। मैं तेलंगाना गया, ये मुझे वहां दिखाई दिया। मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा में भी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के साथ विनोद सोनकर मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और बहनों भाइयों, हम हिमाचल जाते हैं
तो भी विनोद सुनकर वहां कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता हुआ दिखाई देता है। आपका सांसद एक राष्ट्रीय नेता बन रहा है, राष्ट्रीय नेता बन चुका है, ये तो विकास की एक नई बहार लाने की तैयारी है कौशाम्बी के लिए, और इसलिए बहन और भाइयों आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। गुमराह करने के लिए तमाम लोग आएंगे, तमाम प्रकार की बात बोलेंगे, तमाम प्रकार से झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार के वीडियो बना करके ऑडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास करेंगे। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, ये अग्नि परीक्षा का समय नहीं है, यह समय तो है कमल खिलाने का समय है, कमल खिलाने का समय है, और कमल खिलाने के समय के साथ यहां पर हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएं, ये सुनिश्चित कराएं कि हमें सपा और कांग्रेस के द्वारा देश के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ जो खिलवाड़ होने जा रहा है, इसको हमें सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये महामारी का कारण बना है, ये लोग अपने आप में ही महापातक के कारण है, इन लोगों के पापाचार देश के लिए खतरनाक है, मंसूबे खतरनाक है। याद करिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के समय कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, और कमेटी ने क्या संस्तुति की थी, उसने संस्तुति की थी कि पटेल को, मौर्य को, अपने हिंदुओं के निषादों को, यादवों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, हमारी पिछड़ी जाति के अधिकारों को कोई नहीं ले सकता है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने लागू नहीं होने दिया था, मैं सांसद था तब। और बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने जस्टिस राजेंद्र सज्जन की कमेटी बनाई, उसने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित की जाति में शामिल करने का प्रयास किया, यानी अगर सीधे से नहीं तो पीछे से ये लोग अनुसूचित जाति का अधिकार हड़पना चाहते थे। हमने कहा भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, और आज भी उसी मंशा के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहन और भाइयों, इनके मंसूबों को पूरे नहीं होने देना है, कतई पूरे नहीं होने देना है। कांग्रेस का सहजादे क्या कहते हैं, एक झटके में हम गरीबी हटाएंगे। उनसे पूछा गया क्या फॉर्मूला है, उन्होंने कहा वेल्थ इमरजेंसी का मतलब एक्सरे, आपकी प्रॉपर्टी का लोग एक्सरे कराएंगे और फिर उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था, जितने भी मंदिर तोड़े गए थे इसी क्रूर औरंगजेब ने तोड़े थे। और बहन और भाइयों, हमें कांग्रेस सपा के इस जजिया कर को भारत की जनता पे नहीं लगने देना है। ये जजिया कर का मतलब आपकी बाप दादों की कमाई, आपके बाप दादों की कमाई, और इस बाप दादों की कमाई का ये लोग आधा हड़पने का काम करेंगे। क्या अपनी संपत्ति जबरदस्ती कांग्रेस और सपा के गुंडों का कब्जा करने देंगे क्या? पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है
और इनको ये अवसर ही नहीं देना कि ये भी कुछ कर सके। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है और आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है, आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है। और वह सौभाग्य का क्षण ये अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखो भाई, हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण किया, ये सच है, ये सच है। मोदी जी का नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उनका विजन है, लेकिन मोदी जी की ताकत आप है, मेरी ताकत आप है। आप जब विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, यही हमारी ताकत बनती है। और आप भी कह सकते हैं इस लोक में ये पुण्य आपके साथ जुड़ा है कि आप भी कह पाएंगे कि जब हमने वोट दिया था तब मोदी जी और योगी जी ने अयोध्या में 500 वर्षों के कलंकों को समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया। और बहनों और भाइयों, इस लोक के बाद परलोक जाएंगे तो वहां पर भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो आपका संकल्प हमने पूरा किया, अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आ गए, प्रभु राम का कृपा भी और पूर्वजों का आशीर्वाद भी एक साथ मिलेगा। और इसलिए बहनों भाइयों, ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो ये नरकगामी है, नरकगामी, ये पाप का प्रतीक है, यह पुण्य का प्रतीक नहीं, क्योंकि इनके पास विकास की कोई सोच नहीं है। ये नकारात्मक सोच के कारण देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, विनोद सोनकर संघर्ष किया है, काम किया है, पूरी कौशाम्बी लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं से, जागरूक मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वह अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठे, जाति से ऊपर उठे। विकास के लिए जितना काम इन्होंने यहां पे किया है, फोर लेन की कनेक्टिविटी दी है, जहां पर जितना कार्य इन्होंने कहा वह कार्य यहां के लिए मिला है, पर्यटन के लिए जितना पैसा मांगा उतना पैसा मिला है, जिस भी योजना के लिए इन्होंने डिमांड की सरकार ने इनको सहयोग किया। और सहयोगी नहीं किया बल्कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पूरी तरीके से साथ खड़े होकर के विकास के इस अभियान में इनके साथ जुड़े। यहां पर इन लोगों ने मिलकर के, चाहे वह शीतला प्रसाद पटेल हो, चाहे वह लाल बहादुर हो और चाहे संजय गुप्ता हो, इन लोगों ने मिलकर के विनोद सोनकर के साथ मिलकर के मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इसलिए मेरी आपसे अपील है बहनों और भाइयों, हमें फिर से माफिया को पनपने नहीं देना है। माफिया केवल वही नहीं है, माफिया केवल वही नहीं है जो मिट्टी में मिल गए हैं, अभी भी छात्र देश में बहुत सारे लोग हैं। अब तो सेकंड फेज में उन्हीं से निपटने की हम तैयारी करवा रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, विनोद सोनकर जीत करके जाएगा, जाएगा, पीछे तक मुझे आश्वस्त करो, पीछे तक सड़क में। अरे मैं अभिनंदन करूंगा कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप धूप में खड़े, मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं इतनी भीषण गर्मी में। बहनों और भाइयों, आप सब चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी लोग जिता करके भेजेंगे, लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा आपको, एक काम करना होगा, लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी का घर घर जाना कठिन होता है। और फिर विनोद सोनकर जैसा राष्ट्रीय स्तर का हमारा पदाधिकारी, हमें उनको कई जगह भेजना होता है। बहनों और भाइयों, आप मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के और स्वयं विनोद सोनकर बनकर के लोकसभा चुनाव के लिए घर घर जाए, जाएंगे, जाएंगे। अरे देश की खातिर जाना होगा, कौशाम्बी के विकास की खातिर जाना होगा, जाएंगे ना सभी लोग, जाएंगे।
और विकास और सुरक्षा के मामले में ये सारा कुछ मेरे ऊपर डाल दीजिए, बाकी आप इसकी चिंता मत करिए, ये सब काम हम लोग करेंगे। सब संभव है ना, तैयार है ना? कमल चुनाव चिन्ह पर विनोद सोनकर चुनाव जीत के जाएंगे जाएंगे तो मैं आश्वस्त हूं, आपने वायदा किया है और मैं भी आपके साथ वायदा करता हूं, संकल्प लूंगा कि आप जितने वोट से जिताएंगे मैं ब्याज सहित वापस करने के लिए फिर यहां पर वापस आऊंगा। सहमत है तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।